अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? सब ठीक ठाक होंगे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। मैं फराज सलीम मुखातिब हूँ आपसे, अम्बाला इंटरनेशनल कराची की तंजीम साजी और जो काम अम्बाला इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से किया जा रहा है कराची में, जो कि मैं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैं यहाँ ग्रुप एडमिन की हैसियत से काम करता हूँ और कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में भी हमारा इंटरनेशनल का नाम एक पैदा हो चुका है। एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई है आप लोगों के लिए। हमारा इंटरनेशनल का जो चौथा सालाना कन्वेंशन हुआ, जैसा कि आप जानते हैं हर साल होता है, ये चौथा सालाना कन्वेंशन था 10 फरवरी 2019 को 10:30 बजे लाहौर में हुआ था। अम्बाला इंटरनेशनल के सदर हैं हमारे मियाँ अब्दुल हई खालिद, उनकी मिसाल नहीं मिलती, वो बेमिसाल आदमी है। उनकी मेहनत, उनका जोश, जज्बा, वलवला, कोई मिसाल नहीं मिलती। और उनके जोश और जज्बे और उनकी इतनी हौसला अफजाई और हिम्मत से मुझ में इतनी हिम्मत आई और मेरा हौसला बढ़ा कि मैं कराची में काम कर सकूं। और हमारे लाहौर के सदर हैं मियाँ लाहौर के सदर हैं अब्दुल शकूर हकानी साहब। सबके नाम तो नहीं ले सकूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत। और हमारे कराची सिंध के सदर हैं मोहम्मद सलीम अराई। जैसा कि मैं पिक्चर्स के साथ साथ मैं आपको पिन पॉइंट भी करता रहूंगा, नाम भी बताता रहूंगा। चलिए अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं कि हम पिक्चर्स देखते हैं। देखिए जी, ये हमारा बैनर है। आप समझ गए होंगे कि हम अपनी इस तंजीम से क्या काम कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अम्बाला अराई इंटरनेशनल रियूनियन 2019। ये है जी फराज, ग्रुप एडमिन। ये उनकी जबकि तस्वीर है जब वो लाहौर के लिए, एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे। ये नाज़रीन, अब हम आपको थोड़ा सा एक झलक दिखा देते हैं चौथा सालाना कन्वेंशन अम्बाला एरा इंटरनेशनल से सज चुका है। ये है फराज सलीम, ग्रुप एडमिन, और ये है मोहम्मद सलीम अराई, सदर अम्बाला अराई इंटरनेशनल कराची सिंध के। लाहौर जाते हुए एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं ये। ये सफर का आगाज था चौथे सालाना कन्वेंशन में शिरकत के लिए। हम कराची से फैसलाबाद गए, जिसमें हमें रिसीव किया नदीम मुजाहिर साहब ने, फैसलाबाद एयरपोर्ट पर। नाज़रीन, ये हाल आप देख लें, खचाखच भरा हुआ है। ये हमारे हैं शाहिद साहब, जनरल सेक्रेटरी, फराज, नदीम खालिद। जो कि भरपूर काम करते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारी को सरंजाम देते हुए। नाज़रीन, अब ये देख लें कि ये बिल्कुल फुल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ। नाज़रीन, जैसा कि देख सकते हैं, कराची सिंध के सदर मोहम्मद सलीम अराई सामने बैठे हैं और उनके साथ मैं भी बैठा हुआ हूँ। ये कुछ साथी हैं हमारे अम्बाला अराई इंटरनेशनल कराची के, समद साहब हैं, और ये दूसरे भाई ये हमारे बीच में। नाज़रीन, ये जैसा कि देख सकते हैं कि प्रोग्राम का आगाज
तकरीबन हो चुका है। ये बैठे हैं मरकजी सदर मियाँ अब्दुल हई खालिद और कराची सिंध के सदर मोहम्मद सलीम। नाजीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पंडाल खचाखच आवाम से भरा हुआ है। अम्बाला इंटरनेशनल बहुत सारी चीजों का ख्याल रखती है। हमने लेडीज का भी इंतजाम किया हुआ था और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह करना चाहिए, आगे जेंट्स थे और पीछे लेडीज थी, ताकि उनके पर्दा दारी का भी ख्याल रखा जाए। नाज़रीन, ये आप देख हमारे रहे हैं, मुश्किल वक्त का साथी तंजीम के माली उमूर में आगे आगे दरिया ये है फराज सलीम, जो के पूरे हाल में हर किसी को जिम्मेदारी थी, मुझे तो ना होने जैसी जिम्मेदारी थी, लेकिन फिर भी हम इधर से उधर चलते फिरते रहते थे। नाजी, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जनरल सेक्रेटरी शाहिद नवीद बैठे हुए हैं और स्पीच कर रहे हैं डॉक्टर नूर। हाँ, ये है मेरा प्यारा भाई, प्यारा दोस्त दिम्मी खालिद, मेरा साथी और मैं इसका साथी। दिम्मी खालिद की मिसाल नहीं मिलती, जो इन्होंने इवेंट की पब्लिसिटी की, कैंपेन चलाई, बेमिसाल बेमिसाल, जो कि हम दोनों खुशगवार मूड में करीब से भी देखें और करीब से देखें, क्या बात है दिमी खालिद। ये हैं जी अदील खालिद, फराज एंड दिमी। नाज़रीन, ये देखें स्टेज पे सारे ओहदेदारान खड़े हैं और बड़ा जोश है, वलवला है, खरोश है। नाज़रीन, ये सब दुआ करते हुए आखिर में प्रोग्राम का जब एंड हुआ उसमें दुआ की गई, आप देख सकते हैं, ये डॉक्टर नूर साहब, अब्दुल शकूर हकानी साहब, ये है मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद सलीम अराई। इस पिक्चर में आपको मियाँ उबैदुर रहमान नजर आ रहे हैं, मियाँ अब्दुल खालिद है, अब्दुल शकूर हकानी साहब है। ये हैं जी दोनों सदर, मरकजी सदर मियाँ अब्दुल हई खालिद और कराची सिंध के सदर मोहम्मद सलीम। ये मोहम्मद सलीम और मियाँ अब्दुल हई खालिद गुफ्तगू करते हुए खुशगवार मूड, गुजरांवाला के सदर मियाँ नासिर दोनों बड़े खुशगवार मूड में। ये है हमारे नायब सदर, मरकजी नायब सदर आबिद शेख, कराची सिंध के सदर मोहम्मद सलीम अराई, आपस में ये सब गुफ्तगू करते हुए, नंबर एक्सचेंज करते हुए, क्या बात है, क्या बात है। क्या ये रौनकें कोई लगा सकता है? क्या ये रौनकें लगती हैं? हाँ जी, बिल्कुल लगती हैं। अम्बाला अराई इंटरनेशनल हर साल लगाता है और इसका सेहरा और इसका क्रेडिट मियाँ अब्दुल हई खालिद को जाता है। नाज़रीन, मैं आपको साथ साथ बताता चलूं, लास्ट में राइट साइड पे ये हमारे यूथ के सदर अरबाज भाई खड़े हैं, अरबाज भाई और नायब सदर आबिद शेर। ये पूरा पंडाल सजाने में इनकी बहुत बहुत बड़ी मेहनत होती है। नाज़रीन, ये कुछ मनाजिर हैं, कुछ तस्वीर हैं जो कि हमने अपने कैमरे में कैद की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेहमान नवाजी का। अदील खालिद, एक अच्छी पिक्चर ली आपने।
ناظرین یہ اب جب ہم ایونٹ ختم ہو گیا اور اس کے بعد ہم واپسی کے لیے ایئرپورٹ پہ فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے، یہ تب کے مناظر ہیں. آخر میں امبالہ رانی انٹرنیشنل چوتھا سالانہ اجلاس، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی تقریب، 45 سے 5 ہزار بندوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر. میں اب اجازت چاہوں گا آپ سے. فراز سلیم، گروپ ایڈمن، امبالہ رانی انٹرنیشنل، کراچی. پلیز 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 ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو جس کے پاس ہے ویڈیو اپلوڈ کریں، ہمیں سینڈ کریں تاکہ ہم اس کو یوٹیوب پہ دیں، اور ہمارے چینل کو لنک جگہ جگہ پھیلائیں تاکہ ہمارا برادری کا ہر بندہ اس کو دیکھ سکے اور ہماری مدد کر سکے، ہم ان کی مدد کر سکیں اور یہ اویئرنیس پھیلتی چلی جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.